किसी समय किसी जंगल में एक चींटी और एक टिड्डा रहते थे। चींटी और टिड्डे में बहुत अच्छी दोस्ती थी। एक समय गर्मी का मौसम था। चींटी कड़ी मेहनत कर करके अपने लिए अनाज का एक एक दाना इकट्ठा कर रही थी। चींटी बहुत मेहनती थी। अनाज का वो एक एक दाना उठाती और अपने बिल में लेके जाती, क्योंकि चींटी को पता था कि जब गर्मी के बाद बारिश का मौसम होगा, जब चारों तरफ पानी ही पानी होगा, तब उसे ढूंढे से भी खाना नहीं मिलेगा। अब चींटी जितनी मेहनती थी, टिड्डा उतना ही आलसी था। टिड्डे का सारा समय खेलने कूदने नाचने गाने में बीतता। जब टिड्डा पसीने से तर बतर चींटी को देखता तो वो उससे प्यार से कहता, अरे मेरी प्यारी चींटी, तू इतनी मेहनत क्यों कर रही है, चल आ थोड़ी देर मेरे साथ खेल, कितना सुंदर मौसम है, चल थोड़ी देर गाना गाते हैं, नाचते हैं, ये क्या तू हर समय मेहनत ही करती रहती है। टिड्डे की बात सुनकर चींटी उसे समझाते हुए कहती, अरे टिड्डे भाई, मेरी बात मानो तो थोड़ा सा ना तुम भी इकट्ठा कर लो, क्योंकि जब बारिश शुरू हो जाएगी तो तुम क्या खाओगे, कहीं भी तुम्हें अनाज नहीं मिलेगा, इसलिए तो कहती हूँ कि मेरी बात मानो और खाने का इंतजाम कर लो। चींटी की सलाह सुनकर टिड्डा टाल देता और कहता, अरे चींटी पता है तुझे क्या लगता है, मुझमें समझ नहीं है, मैं भी बारिश शुरू होने से पहले अपने लिए बहुत सारा अनाज इकट्ठा कर लूंगा। टिड्डे की बात सुनकर चींटी को समझ आ गया कि टिड्डा बहुत आलसी है, वो कुछ नहीं करेगा। चींटी इसी तरह एक एक दाना अनाज का इकट्ठा करती रही और टिड्डा अपना मस्त होके नाचने लगा, गाने लगा। धीरे धीरे कब गर्मी का मौसम खत्म हो गया, अब बारिश शुरू हो गई पता ही नहीं चला, अब चारों तरफ पानी ही पानी था। टिड्डे ने अपने लिए एक भी दाना इकट्ठा नहीं किया था, उसे बहुत भूख लग रही थी। वो चारों तरफ दौड़ा लेकिन हर जगह पानी ही पानी था। ढूंढे से भी उसे अपने लिए खाना नहीं मिला, वो अपने घर में आके रोने लगा। तब उसने देखा कि चींटी आराम से मस्त होके अपने घर में खाना खा रही है और कुछ कुछ गुनगुना भी रही है और बारिश का एंजॉय कर रही है। टिड्डे को अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। टिड्डा मदद के लिए चींटी के पास गया। चींटी बहुत अच्छी थी। जब उसने टिड्डे को इतना परेशान देखा तो उसने कहा, कोई बात नहीं टिड्डे भाई, मेरे पास कुछ खाना है, तुम भी आओ मेरे साथ खाना खा लो, लेकिन अब ध्यान रखना, जब भी बारिश रुके अपने लिए खाना इकट्ठा कर लेना। टिड्डे को अपनी गलती का एहसास हो गया था। टिड्डा बहुत शर्मिंदा था, उसे समय की मेहनत की कीमत समझ आ गई थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें मेहनत करनी चाहिए, समय की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि एक बार समय हाथ से निकल गया तो फिर वो वापस नहीं आता।